तैयारी हो रही है मार्केट के ओपन होने की। 116 पॉइंट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कल और आज दोनों का हो गया पूरा। आप थोड़ा पोजीशन को आप देखिएगा दूसरे नज़र से, यानी कि पुल बैक के हिसाब से, बट वेट करके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आज आप निफ्टी के टॉप गेनर्स चेक कर रहे हैं तो सिर्फ इकलौता ONGC है। ऐसा नहीं है कि और बड़े शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ ONGC हरे निशान में है। लेकिन गिरने वाले शेयर्स की भी आप संख्या चेक करेंगे, भले वो ज्यादा है लेकिन वो परसेंटेज में काफी कम है। जैसे कि 1.5% मैक्स टू मैक्स है JSW स्टील, जो कि आपको कमजोर दिख रहा है, इसके अलावा नहीं। मार्केट ओपन हुआ है 272 शेयर, ये उल्टा हो गया। पहले डिक्लाइंस में हमको मिलता था और अब डिक्लाइंस आपको 1200 शेयरों का दिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिएगा, ये 20,000-21,000 के आसपास का अच्छा बेस बनाएगा। 20,800 आपको एक सपोर्ट भी दिलवा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप रुक के आराम से इसमें ट्रेड चेक कीजिएगा। आज के फ्रंटलाइन शेयर्स पहले स्पीड से फायर कर दीजिए बिना सोचे समझे। रिलायंस, HDFC, L&T, TCS, इंफोसिस, ये कुछ एक शेयर्स, इन सब से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बाजार इस समय कैसे चल रहा है। अगर आप इस समय चेक कर रहे हैं तो सिर्फ ONGC आपको हरे निशान में दिखेगा। 49 शेयर्स इस समय लाल निशान में हैं और मार्केट ने जैसे 21,000 के नीचे किया उसको अपने ऊपर प्लेस कर रहा है 21,000 के ऊपर। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूरी स्क्रीन आपको रेड दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर में हो सकता है ये स्क्रीन्स में आपको कुछ ग्रीन शूज देखने लग जाएं। आपको बस वही चेक करने हैं, अभी उतना रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा रुक के आराम से काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट के अंदर आइए। दूसरा, नेक्स्ट 50 अगर आप चेक करेंगे ना तो वहां पर भी आपको DLF जहां पे खबर है वो शेयर ऊपर है। एक और शेयर है Zee एंटरटेनमेंट, मैं आज मयूरेश से यही बात पूछ रहा था कि इसको अच्छा माने या बुरा माने Zee एंटरटेनमेंट को। जरा स्क्रीन पे Zee लेके आइएगा, तो शुरुआत में करीब 2% था, 3% हो चुका है। एक्सटेंशन मिलना भी अच्छी बात है, कल 7 रुपए के आसपास टूटा था, आज उतना ही वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है, 260 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो सेलेक्टिव रहिए, आपको काफी मजा आएगा इस मार्केट के अंदर, क्योंकि अब विक्स भी बढ़ा हुआ है और आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा। खैर, अभी मैं कुछ एक और शेयर्स जल्दी जल्दी स्क्रीन पर रीड कर देता हूं, जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम शुरुआत में भी देखने को मिल रहा है। उस कैटेगरी में आपको Zee एंटरटेनमेंट तो है ही है, ऑयल इंडिया भी चेक कीजिए, 2-2.5% ऊपर है। मझगांव डॉक को एक ऑर्डर मिला तो ये ऊपर आ गया। प्रिंस पाइप भी ऊपर है, ये बड़ा फैंसी शेयर है मार्केट के, और इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। और नज़ारा भी, हमने 2-3 दिन पहले मैनेजमेंट से बातचीत की थी, वो काफ़ी बुलिश दिख रहे थे और अभी भी आप देखें ऊपर है। इसके अलावा आपको जो शेयर्स कमज़ोर दिख रहे हैं उसमें इंडियन बैंक एक शेयर होगा जो ज़्यादा कमज़ोर है, करीब 7% की गिरावट के साथ। और इसके अलावा एक काम करेंगे आप, ऑर्किड फार्मा को भी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। आज नुवामा ने बोला है कि 900 के टारगेट के साथ वो यहाँ पे खरीदारी करेंगे। अब रिलायंस ऊपर आ गया, ONGC ऊपर आ गया, HDFC ऊपर आ गया, तो तीन बड़े प्लेयर मार्केट के ऊपर आ रहे हैं जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं और 21,000 के ऊपर हम आके टिक रहे हैं। यही बात मेरे को सिर्फ आपको नोटिस करवानी थी। आप प्रियंका, आपको आगे के मिड कैप शेयर्स बता रहे हैं, फिर मेहमानों से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ इस वक्त आपको हैमरिंग दिख रही है वो इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में आपको 5% चले हैं काफी, यहाँ पर 5% की फर्दर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है आपको। PB फिनटेक अनदर 3%, कल भी ये काफी वीक था, टॉप लूजर था। अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में 1.5% की गिरावट, लेकिन स्ट्रेंथ इस वक्त कहाँ है? जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल इंडिया आप देखें लगातार वो एक स्ट्रेंथ में है, आज भी 4-4.5% की स्ट्रेंथ वहां बनी हुई है। Zee पर एक इम्पैक्ट क्लियर दिख रहा है, 4% की तेजी, इनफैक्ट फॉलो बाइंग खुलने के बाद भी इसमें आ रही है। डिक्सॉन टेक में लगभग 1.5% की तेजी, ये तो मिड कैप के कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं। और एल्युमिनियम और स्टील के काउंटर्स भी, इनफैक्ट मेटल्स इतना बुरा नहीं कर रहा, नेशनल एल्युमिनियम को देखें आप, सेल को देखें, इनमें आपको इतनी हैमरिंग कल भी नहीं दिखी थी, और इनफैक्ट कुछ काउंटर्स तो स्ट्रेंथ के साथ आज ट्रेड भी कर रहे हैं। स्मॉल कैप में देख लेते हैं कि वहां कहां कहां मूव है। IIFL फाइनेंस 5.5% नीचे, ये है। दूसरे जो प्रॉफिट बुकिंग जिनमें अच्छी दिख रही है उनमें सुजलॉन जैसे काउंटर है, CUB जैसे काउंटर, BSE में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है 2.5% की। और बढ़ने वाले काउंटर्स में न्यूज का इंपैक्ट है, मझगांव डॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस वक्त बाजार में, वीकनेस भी 3% की बढ़त वहां है। मीडिया काउंटर्स में कल भी अच्छी स्ट्रेंथ थी, आज भी कुछ मीडिया नेम्स है जहां पर आपको मूव दिख रही है, और साथ ही कुछ केमिकल स्टॉक्स में भी आपको आज भी कंटिन्यूड बाइंग दिख रही है, बालाजी अमाइन जैसे। और हॉस्पिटल काउंटर में मेट्रोपोलिस भी लगातार मूव पे है, आज भी आपको 2% की तेजी के साथ दिख रहा है।